गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के और नाश्ता बना के और टिफिन पैक करके सबको दे के और अभी फ्री होके आ रही हूँ। तो आज है मंडे, मेरा फास्ट है, तो अभी नहा के हम लोग चलते हैं मंदिर और हमको जाना है। तो मंदिर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यही पास में है मेरे घर के, तो आपको दिखाती हूँ छत पे। और ये रहा मंदिर, ये बहुत पास में है, ये जो दिख रहा है ये मंदिर है। 1 मिनट लगता है जाने में, अभी धूप काफ़ी हो गया है, 9 बजे तक तो धूप हो ही जाता है। तो मैं आई हूँ छत पे, चलिए नीचे चलते हैं। ये तुलसी के पौधे, धूप इतनी तेज हो रही है, ये 2 टाइम पानी तो दे रहे हैं फिर भी सूख जा रहा है, सूखा सूखा। तो नीचे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, जल्दी से नहा के रेडी हो गए मंदिर जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने ये ग्रीन कलर का सूट पहना है और सावन चल रहा है तो ग्रीन सूट तो पहनना बनता है, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। और मेरे बाल अभी तो गीले हैं तो सूख जाएंगे धीरे धीरे, अभी इसको सुखाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, इतना वेट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्लचर लगा लिया है। और फिर चलते हैं मंदिर। चलो तो मैं आ गई हूँ मंदिर से और मैंने ये लिया है, थोड़ा सा दही चीनी डाल के और एप्पल और ये बनाना, तो ये मैं खाती हूँ। और मैंने मंदिर में पूजा किया और घर पे
दीपक जलाए, पूजा किए, अच्छा लग रहा है अब पूजा करने के बाद। तो आज का मेरा ये फलाहार बोल लीजिए, तो ये मतलब मेरा फलाहार है, तो ये मैं खाती हूँ। अभी शाम को फिर देखूँगी क्या बनाना है, तो कुछ बनाऊँगी। एप्पल, कितने एप्पल है? शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बनाई हूँ अपने लिए ये चिप्स और चाय। तो खाते हैं चिप्स और चाय, एंजॉय करते हैं बिना नमक के चिप्स है। तो एक दिन के व्रत में क्या नमक खाना है, इसके लिए मैं नमक नहीं खाती हूँ। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं और मम्मी ड्यूटी से आई नहीं है, तो फिर एक बार और चाय बना लेंगे मम्मी के आने के बाद। मैंने उसी टाइम खाया था सुबह पूजा करने के बाद, बीच में कुछ भी नहीं लिया। अभी शाम के टाइम भी खा रही हूँ। तो व्रत में अभी इतना कम खाए तो व्रत किसी को बोलते हैं, तो सारा दिन कुछ खाते रहे तो क्या फायदा है। ये घर का बना हुआ चिप्स है, प्लेन चिप्स बिना नमक का, मेरी मम्मी बनाती है अच्छा सा घर के आलू का। तो काफ़ी हैवी होते हैं ये, और जो बाहर से खरीदते हैं वो थोड़ा सा हल्के पतले होते हैं, लेकिन ये घर के बने हुए तो मोटे मोटे हैवी हैं, थोड़ा सा खाने का पेट भर जाएगा। तो चलिए खा कर मिलते हैं। मैं इधर चाय पी रही थी तब तक सब्जी वाला आ गया और आवाज़ देने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ सब्जियां ले लेते हैं। तो सब्जियां मैं खुद से ही लेना मतलब पसंद करती हूँ, क्योंकि हमको बनाना है तो हमको सब पता होता है कि क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सब्जी लेने की चली गई। और जब तक सब्जियाँ ले रही थी तब तक पापा भी आ गए ड्यूटी से, तो मैंने सब्जी ले लिया है। और ये पापा इन लोगों के लिए लाए हैं कल स्कूल ले जाने के लिए झंडा, तो उसी से ये लोग खेल रहे हैं दोनों, बहुत खुश है इसको देख के। और इधर मैंने कुछ लिस्ट दिए थे किचन के सामान का पापा को, तो पापा आते टाइम ड्यूटी से आते टाइम सामान भी लाए हैं, तो कुछ क्या बहुत सारा सामान है, तो ये कम से कम 2-3 महीने तो चले ही जाएंगे। तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या आया है, क्या छूट गया है, तो सारे मतलब लिस्ट का सारा सामान आ गया था, तो इसको मैं अब लगाऊँगी किचन में। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है अभी सामान को लगाने में, तो रात का टाइम हो गया मतलब शाम हो गया है, तो इसको अभी रख दे रही हूँ। मैंने बनाया है डिनर में, ये सुबह का राजमा है और ये रायता है, खीरे, प्याज और मिर्ची, और ये रोटी, क्योंकि मेरा फास्ट है आज तो मैं तो खाना नहीं खाऊँगी। तो मैं लूँगी एक कप दूध हल्दी डाल के, तो ये चावल दे जाएगा, और इसमें थोड़ा सा अचार अभी डालूँगी।
ये है भरवा मिर्ची का अचार। तो ये आज का डिनर है जो कि मैं नहीं कर सकती, तो मेरा तो फास्ट है, तो मैं इसमें एक मग दूध लूँगी और हल्दी डाल के, और फिर दैट्स इट। मॉर्निंग, तो सुबह के 6 बज गए हैं, मैं उठ गई हूँ और आई हूँ छत पे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी कभार एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी कभार 10 राउंड लगा लेती हूँ सीढ़ी ऊपर नीचे, तो अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। तो आज मैं तो राउंड लगा रही हूँ और सुबह जल्दी उठ गई हूँ, जल्दी मतलब वैसे 7 बजे उठती हूँ लेकिन आज 6 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, आज बहुत अच्छा दिन है। तो मैं चलती हूँ फिर नीचे बच्चों को जगाती हूँ और रेडी करके स्कूल भेजूँगी और कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। तो मैंने आज बहुत अच्छा कुछ सोचा है नाश्ते में बनाने का, तो चलिए आपसे भी शेयर करूँगी। और सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, 6 बज रहे हैं, धूप निकलने वाली है। सुबह का मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ काले चने का चाट। तो उसके लिए मैंने रात को ही काले चने भिगो दिए थे और ये सुबह तक अच्छे से फूल गए हैं, तो इसको मैं लगा रही हूँ बॉयल करने के लिए। तो ये काले चने डाल दिए और इसमें थोड़ा सा नमक और बहुत कम पानी के साथ इसको मैं बॉयल करूँगी, क्योंकि चने चाट के लिए बहुत कम पानी, मतलब सूखा सूखा चने चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने बहुत कम पानी में इसको बॉयल कर रही हूँ। 2-3 सीटी लगने तक इसको मैं पका लूँगी। और एक साइड मेरे चने बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं एक साइड रख दे रही हूँ चाय। सुबह सुबह का टाइम है तो चाय चाहिए होगा, तो 2 कप के हिसाब से मैंने चाय रख दिया है, क्योंकि और कोई चाय पीता नहीं है घर में, मैं और मम्मी बस दो ही लोग चाय पीते हैं। तो 2 कप मैंने चाय रख दिया है, एक साइड चने बॉयल हो रहे हैं। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी किया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और कमेंट करके बताइएगा किस टाइप का आपको वीडियो देखना है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाके भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है bimla.yadav03 से, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा अच्छा रील मैं डालती रहती हूँ हमेशा, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और इधर मेरे चने बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं कुछ सब्जियां काट ले रही हूँ। इसमें मैंने लिया है खीरा, प्याज, हरा धनिया और सॉरी धनिया हरा हरी मिर्च और टमाटर, तो इसको मैं बारीक बारीक काट ले रही हूँ। और इसके साथ नींबू और काला नमक भी है। तब तक मेरे इधर चाय बन गए हैं और मैं चाय मम्मी को भी दे रही हूँ और मैं भी अपने लिए चाय ले लिया है। और मेरे चने भी बॉयल हो गए हैं, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो जब तक मेरे चने ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं चाय पी ले रही हूँ और उसके बाद मैं चने को फ्राई करूँगी। तो ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि आज है इंडिपेंडेंस डे और इसका कलर कॉम्बिनेशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अचानक से इसका ऐसा कुछ बन गया कलर। तो इधर मैं बना रही हूँ चने को फ्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी ले गए, थोड़ा पानी में पेस्ट बना ली हूँ। और इधर मैं लगा रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और थोड़े सा जीरा डाल दे के उसको चटका ली हूँ। उसमें डाल रही हूँ मैं मसाले और मसाले को भून के और इसमें चने डाल दिए हैं और बिना पानी के मतलब सूखा सूखा इसको फ्राई कर ले रही हूँ।
तो ये मैं लगा दे रही हूँ, सर्व कर दे रही हूँ। और इसमें सारे ये सब्जियाँ डाल के और इसको नींबू डाल के इसको मैं दे दे रही हूँ खाने को। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।